मोदी 3.0 सरकार के गठन के साथ ही अब नए कार्यकाल की शुरुआत होने जा रही है। 27 जून से लोकसभा का नया सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार सदन के भीतर जो स्थितियां और परिस्थितियां सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के लिए भी बहुत कुछ अलग होने वाली है। इसकी वजह है वे तीन संवैधानिक पद जिनको लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। वे तीन पद हैं जिनमें सबसे पहला है लोकसभा स्पीकर का पद, इसके अलावा दूसरा पद है डिप्टी स्पीकर का पद, और तीसरा नेता प्रतिपक्ष का पद, जो इस बार विपक्षी गठबंधन को या विपक्ष के तरफ से 10 साल में पहली बार मिलने जा रहा है। 10 साल से सूखा पड़ा हुआ था, 10 साल में विपक्षी गठबंधन की तरफ से कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जिसके पास 10% से ज्यादा सीटें आई हो, कुल सीटों के 10%। कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर आ रही थी हर बार, लेकिन उसके पास भी 10% से ज्यादा 10% के बराबर सीटें नहीं थी। इस बार 18% से ज्यादा 99 सीटों के साथ कांग्रेस जो नेता प्रतिपक्षी दौड़ में सबसे आगे है, और नेता प्रतिपक्ष बनना कांग्रेस की तरफ से तय है। राहुल गांधी का CWC की मीटिंग में नाम तय कर दिया गया है। लेकिन अब ये जो नए पद हैं, नए जो स्थितियां हैं, ये पहले नहीं थी 10 साल से, और अब इनको लेकर एक नई सियासत गर्मा गई है। पहले लोकसभा स्पीकर के पद पर बीजेपी से ओम बिरला काबिज थे, और बीजेपी इस पद को किसी भी हालत में अभी छोड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष चाहता है कि बीजेपी के हाथ से यह जो लोकसभा स्पीकर का पद है वह फिसल जाए, निकल जाए, और इसके लिए वह एक नई रणनीति के तौर पर बीजेपी के जो एनडीए गठबंधन है, उस एनडीए गठबंधन के घटक दल TDP को सीधे ऑफर कर रहा है कि वे अपना स्पीकर कैंडिडेट अगर उतारते हैं तो विपक्ष पूरी तरह उनको समर्थन देगा। कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा है जो घटक दलों की, एनडीए के घटक दलों की, उनको एनकेश करना चाहता है विपक्ष, और इसी के साथ ही वह अपने डिप्टी स्पीकर पद की मांग भी कर रहा है। तो इन तमाम परिस्थितियों पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, बीजेपी से अशोक सिंह जी हैं, इसके अलावा पुनीत जांगू जी कांग्रेस से हैं, विष्णु कोलवाल जी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं अशोक सिंह राजावत जी बीजेपी से हैं, उनसे पूछना चाहूँगा। अशोक जी, इस बार काफ़ी तस्वीर बिल्कुल बदली होगी, क्योंकि चुनौतियाँ देने के लिए विपक्ष इस बार मजबूत स्थिति में खड़ा है, पदों की भी मांग कर रहा है, और अगर ये पद मिलते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण पद हैं। खासतौर से नेता प्रतिपक्ष की बात करूँ तो नेता प्रतिपक्ष का पद पहली बार मिलेगा विपक्ष को, और नेता प्रतिपक्ष का जो अधिकार है न केवल एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के समकक्ष पद है। प्रधानमंत्री जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, चाहे आर्थिक नीतियों पर हो और चाहे अन्य कोई एजेंडा हो, उस पर राय लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, परामर्श लेना बहुत ज़रूरी होगा। हालांकि चुनौतियाँ विपक्ष के लिए भी है, नेता प्रतिपक्ष के लिए भी है, लेकिन किस तरह से इसको टॉलरेट करेंगे, किस तरह इसके साथ अब जो एक तरफा एक हनक के साथ पीएम मोदी चलते थे उसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा, जानना चाहूंगा। राजावत जी, अशोक सिंह जी शायद कोई नेटवर्क इशू आ गया है। पुनीत जांगू जी, आप के लिए बहुत बड़ा अच्छा जो ये मौका है, इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को ये पद जो आपके CWC की मीटिंग में इसका नाम तय कर दिया है, उनका सबसे आगे है राहुल गांधी इस पद की दौड़ में। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नेता प्रतिपक्ष को लेकर ही कहूँगा, लेकिन जिम्मेदाराना पद है, कहीं ना कहीं गरिमा जो है उस इस पद की अलग है। सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने या फिर आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं है, विपक्ष को साथ लेकर, पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ लेकर, विपक्ष की बात सुनकर, विपक्षी आवाज बनकर वहां पर पुरजोर तरीके से हाउस के भीतर जो सत्ता पक्ष के सामने अपनी बात रखनी होगी सदन के पटल पर, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद इसलिए नहीं भर पाया था क्योंकि विपक्ष में किसी भी पार्टी के पास 10% से ज्यादा सीटें नहीं थी, सबसे पहली बात यह। लेकिन आप अगर अभी के चुनावों को देखेंगे पहले तो इन चुनावों में जिस तरीके से इंडिया ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और उसका परिणाम भी काफी हद तक सामने है, तो आप निश्चिंत रहिएगा कि राहुल गांधी ने आज तक विपक्ष की भूमिका जितनी
मजबूती से निभाई है, उसी तरीके से विपक्ष के नेता की भूमिका आगे भी जिम्मेदारी से निभाएंगे। दूसरा, उन्हें मालूम है कि इंडिया गठबंधन जो है वो की एक उपज है, कांग्रेस ने ही उसका आइडिया शुरू किया था, तो उन्हें ये मालूम है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन को आगे ले जाना है। तो मुझे तो इसमें कोई डाउट नहीं लगता है, कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी इसे बखूबी नहीं निभा पाएंगे। लेकिन इस बार एक बहुत अलग चीज होगी, इस बार आप अगर देखेंगे तो मजबूती से विपक्ष की आवाज उठेगी। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे कभी पहले केंद्र सरकार सुनना भी पसंद नहीं करती थी, इस बार उनको सुनने के लिए मजबूर और उस पर एक्शन लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन चुनौती आपके सामने भी होगी, अगर आपकी तरफ से विपक्ष का जो नेता प्रतिपक्ष बनता है तो विपक्ष की आवाज बनने के लिए तमाम जो संगठन हैं जिनसे कहीं ना कहीं कई बातों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर एक मत नहीं रही, कई YSR है, TMC है, ये ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको लेकर आपको उनके साथ तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो चुनौती आपकी तरफ भी है, ऐसा नहीं है कि NDA गठबंधन के पास ही चुनौतियाँ हैं। देखिए, YSR तो कभी मेरी नज़र में विपक्ष में रहा ही नहीं। आप अगर कोई भी मुद्दा देखेंगे तो YSRCP ने हमेशा केंद्र सरकार में, मोदी सरकार के पक्ष में, केंद्र में मोदी सरकार के पक्ष में ही अपना निर्णय लिया। तो मैं YSRCP को, आज कोई वो विपक्ष में आ जाए तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तक उनके पास मौका था, वो विपक्ष में नहीं थे, बल्कि वो कोशिश कर रहे थे कैसे करके ट्यून इन होकर चले मोदी सरकार से। जहाँ तक TMC पे हमारा मतभेद मुद्दों को लेकर, TMC से जो हमारा मतभेद या मतभेद क्या कहूँ, उनका एक विचार था कि वो अकेले ही चुनाव लड़ना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में, तो वो जरूर एक अलग हमारे बीच में सहमति। उस BJP के पास लोकसभा स्पीकर का पद कम से कम नहीं रहे, और इसके लिए वो TDP को ऑफर कर रहा है, JDU को भी ऑफर कर दिया है, सूचना मिली है तो, और उस पूरे समर्थन करने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम समर्थन करने को तैयार बैठे हैं, पहले से ऑफर कर दिया। क्या मानते हैं, क्या मंतव्य है जो विपक्ष का इसके पीछे? देखिए वर्मा साहब, सवाल है कि जो विधान, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो कई बार उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, और वो क्या चाहते हैं, अगर विपक्ष का नेता इसमें होगा, ये विपक्षी पार्टी का आदमी इसमें होगा, तो जो ये तानाशाही रवैये से जो अब तक 10 साल सरकार चलाई है वो सरकार नहीं चला पाई, और लगातार इसीलिए बोल रहे हैं कि अध्यक्ष हमारा चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष इसलिए चाहिए कि चाहे जिसको बाहर निकाल दो, चाहे जिसको अंदर ले लो। तो इस जो तानाशाही रवैये के खिलाफ ये विपक्ष बात कर रहा है। सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये विश्वास में लेती विपक्ष को भी, देखिए अब स्थिति वो पुरानी 10 साल पुरानी स्थिति नहीं है, आज इनको विपक्ष को लेके साथ, जैसे आज जब कांग्रेस सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी जोशी जी, इन सबको विश्वास में लेके कोई काम करते थे, मगर जो इन जो इन लोगों की जो आदत में नहीं है, इनकी फतरत में जो चीज है ना, उससे इन लोगों को डर और दहशत रहती है। सवाल है कि अध्यक्ष का रोल एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, अध्यक्ष का जब रोल निष्पक्ष नहीं होता ना, तब स्थिति बहुत अलग होती है। आज अध्यक्ष चाहे जिसको बाहर निकाल दे, अरे विपक्ष को बोलने नहीं दे, सत्ता पक्ष को मनवाया जो बोले, विपक्षी नेताओं को उंगली से इंगित करके, इशारा करके बोला जाता है उकसाने के लिए। इस प्रकार की जो कार्रवाई जो पिछले 10 साल में चली वो कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए, इसलिए विपक्ष चाहता है कि सर्वदलीय बैठक करके इस पे निष्पक्ष बात होके सदन चले, जनता का जो पैसा है वो पैसा खराब नहीं हो, और हम चाहते हैं 5 साल सिर्फ देश में विकास की बात हो। चुनाव से पहले आपने जो भी कुछ करना था कर लिया, मगर अब देश के विकास की बात हो, इस सदन में बैठ के सदन का समय खराब नहीं हो, इसीलिए ये चाहते हैं कि विपक्ष पर सरकार विश्वास में ले। मगर मुझे आज भी बड़ा शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं इनको साथ लेकर चलना चाहते हैं, वो अकेले डबली लेके क्यों चलना चाहते हैं, आज वो जी टंग की कार्रवाई उनके इनको मन में क्या चीज लग रहा है। सरकार का अध्यक्ष बनता कोई तकलीफ नहीं होती है, सवाल इस बात का कि अध्यक्ष निष्पक्ष हो, निष्पक्षता के सवाल पे खड़ा रहे। पर जब ये जो पुरानी 10 साल की जो इनकी नीति रही है ना, उसको देख के विपक्ष ये कहता है भाई सब मिलके अध्यक्ष का चुनाव हो। जहाँ सवाल आपने बोला विपक्षी नेता का, विपक्षी नेता तो
75 साल की आजादी जब से हुई है ना, जब से विपक्ष का नेता रहा है, मगर ये देश का दुर्भाग्य था, देश समझा, कुछ देर जाके देर में जाके समझा कि उन्होंने आज सशक्त विपक्ष दिया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो उनका जो सपना था कि विपक्ष इतना मजबूत होना चाहिए कि सत्तारूढ़ दल पे नकेल होए, वो आज जनता के समझ में आई और जनता ने विपक्ष को इतना मजबूत किया। विपक्ष का नेता कोई भी बने, राहुल गांधी जी बने, खड़गे साहब बने, जो भी कोई बने, मगर आज सवाल है कि जो प्रधानमंत्री जी का जो अहंकार है ना, उनको थोड़े अपने विचार में बदलना चाहिए। इस प्रकार की तानाशाही से अब सरकार चलने वाली नहीं है, और कम से कम हम जो टैक्स पेयर लोग हैं उनका पैसा खराब नहीं होना चाहिए, और लोकसभा में पूर्ण रूप से जितने समय तक लोकसभा चले उतने समय तक सिर्फ देश के विकास की बात हो, देश की मजबूती की बात हो, देश की एकता की बात हो, यही मेरा वर्मसा कहना है इस बारे में। लेकिन लोकसभा स्पीकर को लेकर राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है जो एनडीए ने, बीजेपी ने, और राजनाथ सिंह को यह भी कहा कि सर्वसहमति से, विपक्ष को की भी सहमति से उसका चुनाव किया जाए लोकसभा स्पीकर का। राजनाथ सिंह जी, आज आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को आज राजनाथ सिंह जी कैसे याद आने लगा। सवाल है, चलो अच्छा है, दे रहा है, दुरुस्त है, कोई तकलीफ नहीं है इनको। मैं तो ये कहता हूँ विपक्ष के साथ सहमति बनके अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनता है ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है सर, इसमें कोई पार्टी की इज्जत बेइज्जती की काम नहीं है। अध्यक्ष का काम तो इतना होता है कि वो सदन को निष्पक्षता के साथ चलाए, यही तो चाहते हैं। क्या बीजेपी नहीं चाहती, क्या क्या एनडीए नहीं चाहती, क्या इनको तकलीफ क्या है? अगर कोई जो सीनियर लीडर है वो चाहे किसी पार्टी का हो, उसको बैठ के सहमति बनकर बात हो जाए तो क्या बुराई है उसके अंदर? मगर जो पूर्व में 10 साल चला वो सदन में अब नहीं चलेगा, यही मेरा सोचना है, यही मेरा कहना है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर राहुल गांधी का नाम आगे किया गया है। राहुल गांधी ने अभी समय मांगा है। जांगू जी, आपसे सवाल है मेरा, राहुल गांधी ने समय मांगा, क्या राहुल गांधी, जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी परिपक्व नहीं है नेता प्रतिपक्ष के लिए, पुनीत जांगू जी, सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए अभी परिपक्व नहीं है, उन्हें परिपक्व होने की जरूरत है, और कितना परिपक्व होने की जरूरत है ये आप बताइए। और दूसरी बात ये कि ये बहुत यहाँ पर कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेप नहीं चलेगा किसी भी तरह, हाउस के भीतर बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, क्या राहुल गांधी ने इसलिए समय मांगा है कि वो इस पर और विचार विमर्श करें, क्या राहुल गांधी के अलावा भी कोई और चेहरा है जो आपके संज्ञान में है या जिस पर कांग्रेस में चर्चा होने की संभावना है, या जो इस कैडर का लीडर है जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सदन के भीतर निभा पाए और सत्ता पक्ष को जो एक तरह से बैलेंस कर पाए, जो जो सरकार की जो कार्रवाई है, जो भी प्रोसेसिंग हो, प्रोसीडिंग, उसको बैलेंस कर पाए। आप अगर देखेंगे तो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने दक्षिण से पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, लोगों के बीच गए, लोगों को भारत जोड़ने का एक संदेश दिया, ये किस लिए आवश्यक था? इसलिए आवश्यक था क्योंकि केंद्र में एक ऐसी सरकार स्थापित थी जो लोगों को बांटने में लगी हुई थी, जो था कि आपस में लड़ा और खुद वो अंग्रेजों की नीति पे चल रही थी, फूट डालो राज करो। राहुल गांधी ने आगे बढ़कर ये कदम लिया कि भारत को एक रखना हमारे लिए आज की पहली प्राथमिकता है, सत्ता आए चाहे नहीं आए, लेकिन कम से कम भारत के लोगों के मन में जो आप बंटवारे का या एक दूसरे के प्रति नफरत का जो विचार इन्होंने पैदा किया है वो खत्म है। तो इसमें ये तो बहुत इनकी बचकानी हरकत है, ये अपरिपक्व है, इस तरह का बयान दिया सबसे पहले। नंबर दो, जिम्मेदाराना पद है नेता प्रतिपक्ष का, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा जिम्मेदाराना पद, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री हल्का हो सकता है लेकिन नेता प्रतिपक्ष को हल्का नहीं होना चाहिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे
तो वो प्रधानमंत्री से ज्यादा आपको जिम्मेदार नजर आएंगे इस सदन को चलाने में। सदन को चलाने के लिए सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार नहीं होता, सबसे पहली जिम्मेदारी सही कि सदन चले कैसे। आप देखेंगे तो पिछले 10 साल का भाषण दे रहे हैं, विपक्ष का कोई नेता भाषण दे रहा है, अंदर कोई अपना बयान दे रहा है, और बयान देते वक्त बीच में उसका माइक ऑफ कर दिया गया, कभी उसका टेलीकास्ट लिंक बंद कर दिया गया। ये हरकतें बहुत गिरी हुई हरकतें थी जो लोकसभा पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा की गई, उनके निर्देशों पर की गई, और सरकार उसके पीछे मूल निर्देशन सरकार का था। अब बात यही है, क्यों आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष के लिए ये परिस्थिति बनी है कि सरकार को राजनाथ सिंह जी को आगे करना पड़ा। आप सोचिए, आज से पहले तो इन्होंने कभी 10 साल में, 2014 में, 2019 में कभी राजनाथ सिंह जी से नहीं कहा कि बता करो किसे बनाना है, इन्होंने अपनी मर्जी से बना दिया। आज परिस्थिति ये है कि जो इनके घटक दल है वो भी जानते हैं कि हम अगर नेता प्रतिपक्ष अपने पास नहीं रखेंगे तो कब हमारे एमपी इनकी बेंच में बीच में जाके बैठ जाएंगे, इनकी सीटों पर जाके बैठ जाएंगे, पता नहीं चलेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष फिर उसमें डिसीजन लेगा नहीं, सॉरी विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष उसमें निर्णय नहीं लेगा कि इनको कहाँ बैठाना है। वो कह देंगे हमने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। आप अपील करते रहे कि इनको सदन से निष्कासित किया जाए, इनकी सदस्यता रद्द की जाए, वो निर्णय नहीं लेगा। तो ये जानते हैं कि हमारे पार्टी को कभी ये तोड़ लें इसका कोई भरोसा नहीं। तो बीजेपी एक पार्टी है सदन के अंदर, अरे इनके घटक दल भी जानते हैं कि हम अगर अपने नेता प्रतिपक्ष विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष हमने नहीं लिया तो हमारे अच्छा विपक्ष ये अपनी सरकार बना। अच्छा विपक्ष इस बार डिप्टी स्पीकर के पद की भी उम्मीद लगाकर बैठा है और मांग कर रहा है कि ये कम से कम ये तो मिले, स्पीकर पद नहीं तो कम से कम डिप्टी स्पीकर मिले। क्या लगता है आपको, डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो आप लेने में कामयाब रहेंगे, और ले अगर आपको मिलता है तो क्या आपको रणनीतिक रूप से किस तरह सफलता मिलेगी इस बार जो हाउस में? नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले, राजनीतिक उद्भव से पहले उनके नियम यही था कि जो लोकसभा स्पीकर है वो सत्ता पक्ष का होता था, लोकसभा डिप्टी स्पीकर है वो विपक्ष का होता था, ये हमेशा कायदा रहा है। पर इन लोगों ने ऐसे किसी भी तो कायदे में हो कभी करने में इच्छा भी नहीं जताई और इनकी आदत भी नहीं है। विष्णु कुरवाल जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि इनकी फितरत जो है वो फितरत इनकी बताती है कि ये किस प्रकार से अब जब असंवैधानिक और लोकतांत्रिक है और आज की परिस्थिति है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की परिस्थिति में भी इनको बड़ा हित होने वाली सरकार चलाने का, कि ये ना हो कि हम उस तरीके से नहीं चला पा रहे जैसे हम पिछले 10 साल चला रहे थे, तो बीच में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से जब सदन होता, किस लिए सदन होता है, विचार विमर्श के लिए, एक किसी विषय पर आपस में उसके प्रोज एंड कॉन्स यानी पक्ष में और विपक्ष में क्या आपके पास तर्क है वो सुनने के लिए, और फिर उसके बाद एक कंक्लूसिव रिजल्ट पे आने के लिए। परिस्थिति ये है कि भारत में इतने बड़े बड़े कानून बना दिए इन्होंने, दंड संहिता को बदल दिया, सीपीसी को बदल दिया, सीआरपीसी को बदल दिया, और उस पे कोई डेलिब्रेशन नहीं हुए। आप सोच सकते हैं कितनी बहस हुई होगी उन पे, और इतने बड़े अमेंडमेंट्स लिया ये कानूनों में, तो आप इससे अंदाजा लगा रहे कि ये कितने तानाशाही रवैये के थे कि इन्होंने सदन को हमेशा बाईपास करने की कोशिश की। इन्होंने कभी जब डिस्कशंस नहीं कराए और हंगामा विपक्ष ने किया, तो इन्होंने ये कोशिश की बताने विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। आप अगर डिस्कशंस करेंगे तो विपक्ष सदन क्यों नहीं, सदन विपक्ष क्यों नहीं चलने देगा? आपने ये हमेशा कोशिश की कि सदन की हमें आवश्यकता नहीं है, सदन को बहुत भले आप कितनी बड़ी संसद बना लें, कितनी भी भव्य संसद बना लें, जब तक उसमें तर्क नहीं होगे, बहस नहीं होगी, तब तक उस भवन का क्या काम है? सिर्फ जाके बैठना, साइन करके आ जाना? नहीं, वो भवन है कि देश की जनता देखे कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो विभिन्न मुद्दों पर अपना रखते हैं और उनको सुन सके, उनको समझे। लोगों को भी समझ में आता है कि आज यदि सरकार एक बिल लेकर आई है, कोई कानून लेकर आई है, तो उस कानून का उन पर क्या प्रभाव होगा? पक्ष बताएगा कि इस कानून से सही प्रभाव है, पक्ष बताएगा कि इस कानून से ये नेगेटिव प्रभाव है जनता पर। तो ये जो है वो लोकतंत्र का मूल है, लोकतंत्र की मूल। चलिए, नेटवर्क इशू की वजह से सत्ता पक्ष की तरफ से हमारे साथ अशोक सिंह जी नहीं जुड़ पा रहे, कोशिश कर रहे हैं उनसे दोबारा से उनको जोड़ने का, लेकिन अगला सवाल अब विष्णु कुलवाल जी से है। कुलवाल जी, इस बार तो नेता प्रतिपक्ष बनना तय माना जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और कॉलेजियम, सीबीआई, ईडी, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और ईडी, जिनको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता रहा कि अपने हाथ में पूरा सिस्टम ले लिया है और सिस्टम के जरिए मनमानी की जा रही है,
इस बार तो ये तीनों जो पद हैं, इनके तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनके प्रमुखों की नियुक्ति बिना, अगर नेता प्रतिपक्ष बनता है विपक्ष का, तो इनकी अनुमति के बिना ये इन प्रमुखों की नियुक्तियां ही नहीं हो सकती। तो इतना बड़ा जो जो चीजें हैं वो हाथ में है नेता प्रतिपक्ष के, तो किस तरह देखते हैं, क्या क्या पूरी तरह बदल जाएगी स्थिति या परिस्थितियां, जिस तरह की पहले जो आप आरोप लगाते रहे हैं जो विपक्षी गठबंधनों, चाहे आप भी कई डिबेट्स में कहते रहे कि सत्ता पक्ष मनमानी कर रहा है, तो क्या ये मनमानी रुकेगी, आपको क्या लगता है? देखिए वर्मा साहब, पहले तो आपने बोला कि राहुल गांधी सत्ता पक्ष बोल रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनने काबिल नहीं है। तो पहले तो इनसे पूछो कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में क्या मुख्य प्रधानमंत्री जी को नेता चुना गया था क्या? तो ये गुमराह क्यों करना चाहते किसी भी चीज में? इसीलिए इनकी बात पे वहम किया जाता है, ये कहेंगे क्या, करेंगे क्या, चलेंगे क्या, इसीलिए ये सब चीजें पैदा हो रही है। अच्छा, जब सत्तारूढ़ के मन में कोई एक प्रकार के मन में उनके पाप नहीं है या उनको कोई डर नहीं है, तो विपक्ष को बना दे अध्यक्ष, क्या कर लेगा अध्यक्ष लोकसभा का? लोकसभा का अध्यक्ष तो लोकसभा तो चलाएगा, उसके बाहर थोड़ी कुछ कर लेगा वो। सवाल है कि इस प्रकार की बात करके आप गुमराह करने का जो काम करते हो ना, उसको अब इनको समझना चाहिए और अब वक्त देश की अच्छाई के लिए काम करने का चाहिए। आज आप भूल गए क्या चीज भी कि निपुण मिश्रा जी थे जो बाबरी मस्जिद पे गोली चलाने वाले थे, आज वो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं, उनके बेटे चुनाव लड़े वो हार गए। आज अजीज डोमल है, क्या ये 10 ये 3-4 लोग हैं क्या जो देश चला सकते हैं? बाकी कोई काबिल नहीं है इस देश में? पहले सीबीआई के मिश्रा जी थे, वो भी पीएमओ में, तो ये क्या देश को यही चलाएंगे क्या? बाकी और अधिकारी भी तो हैं देश में, तो ये गुमराह देखिए, गुमराह मत कीजिए, गुमराह करने से काम नहीं होगा। अगर आपकी नीयत साफ है, मन साफ है, तो आप विपक्ष के साथ बैठ के कर लो फैसला, कहाँ कोई लड़ाई है। और जहाँ सवाल है कि आपको क्या मतलब है आपकी पार्टी के नेता के राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी के बारे में आप बात तो कर रहे हो। आज देखिए इस देश का कोर्ट, इस देश के कर्नाटक कोर्ट ने क्या फैसला लिखा येदियुरप्पा जी के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री थे, कहीं भग थोड़ी जाएंगे? तो ये भी बताओ देश के अंदर कि केजरीवाल वर्तमान मुख्यमंत्री है, क्या वो दिल्ली छोड़ के भग जाएगा या देश छोड़ के भग जाएगा? किसी बातों का बहम इन लोगों पर, इसीलिए ये विपक्ष कह रहा है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष हो वो निष्पक्ष हो, जो न्याय कर सके, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं कर सके, इसी पर तो बात करनी है। जहां सवाल राहुल गांधी का है, कितना पैसा इन्होंने राहुल गांधी को और कितने शब्दों से उच्चारण करके इन्होंने कितना पैसा देश का बर्बाद किया, कितना पैसा बर्बाद किया? उत्तर करिया गरीबों में बांटते ना तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा सीटें जीतते। ये मगर ये गुमराह करके, और गुमराह करने से कुछ होने वाला नहीं है। एक ये वक्त इतना आ गया है कि आपको अपने अपने जो विचार और जो विचार है ना, अब वो देश हित के लिए करो। 75 साल की तो उम्र हो गई इनकी, अभी भी क्या चाहते हैं? कायदा तो बोलता है, संघ बोलता है ना कि मोदी जी आप विदाई कर लो, नए को आने दो, तो ये को नए को नहीं आने देते। और राहुल गांधी नहीं आता तो इनको तकलीफ कितनी होती है? सवाल है कि इस प्रकार से गुमराह करने से काम नहीं होगा। और यही कारण है वर्मा साहब, विपक्ष का यही कहना है कि अध्यक्ष अगर अगर अध्यक्ष का रवैया निष्पक्ष नहीं होगा तो फिर लोकसभा नहीं चलेगी, और लोकसभा नहीं चलेगी तो भारत के हर प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यापारी वर्ग का पैसा, जो हम लोग कड़ी मेहनत से टैक्स चुकाते हैं, वो पैसा खराब नहीं हो। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए, 75 साल के अगले साल तो रिटायर हो जाएंगे, तो आज वो विपक्ष के साथ बैठ जाए तो क्या हो जाएगा? तो बैठ के बात करके और इस प्रकार का एक ऐसा इतिहास बनाए नरेंद्र मोदी जी जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, ये नहीं लिखा जाए कि देश के तानाशाह थे। मेरा ये कहना है कि साथ बैठ के और लोकसभा अध्यक्ष और इसके लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में बैठ के बात करके एक ऐसा काम करें जो देश को लगे कि इन लोगों के मन में अब कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब एक नजीर पेश करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष को साथ लेके, नेता प्रतिपक्ष के साथ तालमेल बैठा कर आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा ये भी कहना था, मैं अब जांगू जी से पूछूंगा। पुनीत जांगू जी,
राहुल गांधी बने या कोई और बने कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष, लेकिन जिन डिपार्टमेंट्स को, जिन विभागों पर आप आरोप लगा रहे थे, इन विभागों को लेकर सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहा है और विपक्ष के खिलाफ जो उनके गिरफ्तारियां करवा रहा है, विपक्ष के खिलाफ जो काम कर रहा है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम आपके अनुमति के बिना, आपके जो नेता प्रतिपक्ष की अनुमति के बिना नहीं होगा, सीबीआई के जो डायरेक्टर है उसकी नियुक्ति भी नहीं होगी, ईडी प्रमुख के जो नियुक्ति, इनमें आपके ही जो नेता प्रतिपक्ष हैं आपकी तरफ से जो भी तय होंगे उसकी भूमिका रहेगी और उनको अधिकार भी मिलेंगे, तो आप क्या महसूस करते हैं? अब क्या वो चीज़ें, परिस्थितियां बदल जाएंगी? अब क्या आप संतुलन स्थापित कर पाएंगे? अब क्या सही जो सरकार सही मायने में अपना काम कर पाएगी? क्योंकि आपको भी तालमेल बैठाना कहीं ना कहीं जरूरी पड़ेगा। सत्ता पक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा, जहाँ तक 150 सांसदों को बाहर निकालने की बात थी पिछले कार्यकाल में, सत्ता पक्ष का कहना था कि विपक्ष की आदत हो गई है कि सिर्फ हंगामा करना, मुद्दों को सही तरीके से सदन के पटल पर नहीं रख पा रहे, जिसकी वजह से कार्रवाई करनी पड़ती है। और बिल जहाँ तक मनमानी से पास करने की बात है, इसका भी जवाब सत्ता पक्ष ये दे रहा है कि अननोन जो इश्यूज हैं उन पर ज़्यादा बात की जाती है, और जो अनवांटेड जो जो इश्यूज हैं और जो बिल के जो संदर्भ हैं उन पर कम बात करता है विपक्ष, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी। क्या कहना चाहेंगे पुनीत जांगू जी? ये सत्ता पक्ष कौन तय वैसे तय करेगा कि विपक्ष अनुस पे बात कर रहा है कि विपक्ष बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये सत्ता पक्ष को कोई अधिकार नहीं है, समय दिया जाता है, इतना समय विपक्ष तय है, हर हर एक पार्टी पातिक होता है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड बोलता जाएगा, ये तो नहीं होता है। आप रूलिंग पार्टी के को भी एक फिक्स टाइम दिया जाता है कि इतने समय तक रूलिंग पार्टी इस विषय पर डिबेट करेगी और उसको वो अपने अपने देती है कि 5 मिनट में रहिए नेता बोलेगा, 5 मिनट में रहिए नेता बोलेगा। उसी तरीके से विपक्ष को भी बराबर, हर पार्टी को, अगर एक सीट है किसी पार्टी की तो उसको भी 1 मिनट मिलता है अपना पक्ष रखने के लिए। तो बेसिकली ये उस टाइमिंग में हम अगर अनवांटेड बोल रहे हैं तो इसका जनता तय करेगी कि पार्टी बोल रही है, सत्ता पक्ष क्यों तय कर रहा है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है, बात करेंगे तो ये जो ईडी सीबीआई इनके नेताओं की, इनके जो अध्यक्षों की या इनके डायरेक्टर्स की जो नियुक्ति है उसको इन्होंने घालमेल कर रखा था। पहले क्या सिस्टम था, आप इन्होंने जैसे लीडर ऑफ ओपोजिशन तो नहीं था लेकिन लीडर ऑफ पार्टी थे अधीर रंजन चौधरी जी जैसे, तो उनको ये शामिल करते थे। अब होता क्या कि एक तो होता है कि समय पहले आपको बताया जाए कि हम इन 3 अधिकारियों को बनाना चाहते हैं सबसे पहले, और उसका विपक्ष इन्वेस्टिगेशन करता था इसका रिकॉर्ड क्या है, पहले इन्होंने क्या काम किए, कहां इनकी पोस्ट, करेक्टर क्या रहा, क्या ये भ्रष्ट तो नहीं थे, निष्पक्ष रहे कि नहीं रहे। तो एक इन्वेस्टिगेशन जो वो थर्ड जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो भी अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करता है कहां कहां पोस्टिंग रही, मतलब हर तरीके से। इन्होंने तो क्या किया, एक फॉर्मेलिटी के तहत अधीर रंजन चौधरी जी को बनाया और मीटिंग से थोड़ी देर पहले उनको नाम दिए। अब आप मीटिंग से अगर आपको आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले मिल रहा है नाम, तो आप उस व्यक्ति के बारे में क्या पता करेंगे जो नाम आपको दिए, इन 3 में से 1 को बना। तो ये सबसे पहले परिपाटी। चलिए अब तो परिस्थितियां आपके लिए बदल, इस बार तो परिस्थितियां बदल गई, लेकिन आपका नेता प्रतिपक्ष आपकी तरफ से बन रहा है इस बार। अब हमारे साथ भाजपा से शरद अग्रवाल जी जुड़ गए। शरद जी, क्या मानते हैं इस बार, स्पीकर का पद तो आप चाहते हैं लेकिन विपक्ष चाहता है कि स्पीकर का पद आपको नहीं मिले, इसके लिए आपके ही जो घटक दल हैं एनडीए के, टीडीपी, उनको उनको ऑफर कर दिया है विपक्ष ने सीधे तौर पर कि अगर आप कैंडिडेट उतारते हैं स्पीकर के लिए तो वे समर्थन देंगे पूरी तरह से। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष का पद इस बार देना पड़ेगा नॉर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर, और नेता प्रतिपक्ष का पद नॉर्म फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, उसको अधिकार होते हैं, कैबिनेट मंत्री का अधिकार होता है और कई कई मायनों में तो प्रधानमंत्री के समकक्ष वो बैठते हैं, कोई दूसरा नेता भी नहीं बैठता। किस तरह लेते, क्या स्थितियां परिस्थिति रहेंगी इस बार हाउस में, और हो सकता है संभव है जिनको आप सबसे कमजोर नेता साबित करते रहे हैं वो राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपके सामने हो सदन में। शरद जी नमस्कार, विजय जी और सारी टीम का बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए।
देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सदन देश की जो मर्यादित स्थान है उसकी गरिमा बनाए रखना पक्ष और विपक्ष का, सभी जनप्रतिनिधि जो वहां चुनकर पहुंचे हैं, सबका मूल धर्म है। और साथ ही साथ सभापति का चुनाव करना, अपना कैंडिडेट खड़ा करना, जो दल ज्यादा संख्या बल में है वो संभावित तौर पे प्रयास भी करते हैं और इसमें सफल भी होते हैं। जिस प्रकार से इंडिया अलायंस को इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है और विपक्ष में बैठना पड़ रहा है, लेकिन आपको कोई भी मौका छोड़ना, ऐसा शरद जी भी मौका छोड़ना एक छोटा सा छोटा सवाल बीच में रखूंगा आपको, क्या आपको विश्वास है कि आपके जो घटक दल है वो इनकी बातों में नहीं आएंगे, विपक्ष की बातों में नहीं आएंगे? कभी विपक्ष भी जो नहीं आएंगे, संभावना तलाश रहा है, जो जो संभावना तलाश रहा है, इनकी महत्वाकांक्षाओं को जो टटोलने की कोशिश कर रहा है आपके घटक दलों की को, और फिर ये ऑफर कर रहा है कि विपक्ष आप जो लोकसभा स्पीकर का जो कैंडिडेट उतारी है, तो क्या आप इनकी बातों में आ जाएंगे? आपको विश्वास है आपके घटक दलों पर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट किया है कि एनडीए अलायंस अब तक का सबसे प्रगतिशील और मजबूत अलायंस साबित होगा, फैसले भी सरकार उसी रूप से लेगी और देश को जो आगे ले जाने का कार्य है ये एनडीए अलायंस बखूबी निभाएगा। और जो ये भ्रमित करने का काम इंडिया अलायंस द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, उनके जो भी घटक दल है उनके द्वारा किया जा रहा है, इसका एनडीए अलायंस में कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा कि चाहे हमारे जो हमारे संबंधित हमारे समर्थक दल हैं एनडीए अलायंस में, उनमें से आए चाहे भाजपा से आए, जब अलायंस हो गया है तो अलायंस में कहीं से भी जो भी फैसला होगा और जो सभापति चुना जाएगा, जिस एक नाम को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिनका अधिकार क्षेत्र है उस नाम को रखेंगे सभा में और सभा को अनुमोदित नाम को अनुमोदित किया जाएगा और वो सभापति की जो मर्यादित कुर्सी है उस पर विराजमान होगा। इसमें हम आपका समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, आज विपक्ष में होते हुए तरह तरह से आप किसी अलायंस को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक मैं फेयर डील नहीं समझता। पुनीत जागू जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फेयर डील नहीं समझ रहे हैं शरद जी? बेसिकली क्या है कि इनको फेयर का मतलब भी अब समझ में आया होगा, इससे पहले इनको कभी फेयर का मतलब नहीं समझ में आया। और इन्होंने जो सदन की गरिमा की परिभाषा पढ़ी है, परिभाषा ही बोली इन्होंने, क्योंकि हकीकत में इन्होंने कभी उसे लागू नहीं किया सदन में। यदि आप देखेंगे तो फेयर डील की बात जहां तक है, फिर ये कह रहे हैं कि इस बार चाहे हमारे पक्ष से आए चाहे घटक दल से आए, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इनकी बातें सुनकर हमें अच्छा भी लग रहा है कि अब ये लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने लगे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि इस बार मोदी सरकार नहीं एनडीए सरकार हो गई है। आप इस महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, खुद नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं वरना वो मोदी सरकार कहते थे। अब ये इतने बेसिक चेंजेस तो कुछ ही दिनों में आ गए हैं रिजल्ट्स के, और हमने मुंह की खाई है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मुंह की कौन खा रहा है। हम विपक्ष में हैं, हमें अफसोस है कि हम इस बार सरकार नहीं बना पाए। हमारी उम्मीद 295 सीटों की थी और हम 233-234 पे अटक गए, लेकिन जो 400 पार करने की बातें कर रहे थे वो कहां अटक गए? परिणाम लोगों ने दिया जी, तो हमने कभी नहीं कहा जी। आप देखिए 400 पार के नारे को आप इस प्रकार से एक मजाकिया तौर आपने जो माहौल बना रखा है कि 400 पार का नारा था वो कहां गया, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2014 से लेकर 2024 तक का जो सफर है, उस सफर में आप अपने घर से किसी सड़क पर निकलें, आप यूपीआई पेमेंट्स देखें, आप विकास की जो गंगा पूरे देश में बही है उसको देखें, शेयर मार्केट इंडेक्स को देखें, आप पल पल क्षण क्षण सोचें कि क्या देश का विकास जिस गति से होना चाहिए था वही हुआ? अगर वो हुआ है तो कांग्रेस के समय में, पूर्व में जब कांग्रेस का राज रहा इतने साल, वो राज कहाँ गया? मैं पुनीत जी आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आते थे राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि वो 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं। पुनीत जी मैं मुझे सुनिए, उन्होंने आप ही के पार्टी के प्रधानमंत्री जो पूरे देश के हुए राजीव गांधी जी ने ये कहा कि 100 रुपया हम यहाँ से भेजते हैं, 90 रुपए रस्ते में ही सिस्टम खा जाता है।
ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो डायरेक्ट बेनिफिट जनता को देती है, किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा आता है, सब्सिडी का पैसा सीधा व्यापारी के खाते में आता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के खाते में आता है। अब वो 90 रुपए जो रस्ते में रह रहे थे, जिनके दर्द हो रहा है, जो भ्रष्टाचारी थे, वो सब इधर उधर भाग रहे हैं। अब आप क्यों सोच रहे हैं बदलना पड़ेगा? अब आप ये क्यों सोच रहे हैं कि देखिए बदलाव कुछ नहीं होगा, विकास होगा, विकास की बात होगी और देश का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास लिखा जा रहा है। ये स्वर्णिम पल है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। शरद जी एक बार ये एक बार जांगू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जांगू जी बोलिए। जांगू जी बोलिए। शरद जी मैं इनको यही बताना चाहता था कि ये तो ठीक है कि चुनाव आयोग आपके साथ था और चुनाव आयोग ने जो नहीं आप चुनाव आयोग से इस प्रकार से एक इंडिपेंडेंट संस्था है वो चुनाव कराने का सदियों का जो चुनाव आयोग का एक सिस्टम रहा है। बैलेट जो थे, पेपर बैलेट जो थे उन खारिज करना नहीं, खारिज करना ये कंट्रोल में था, तो जो मार्जिनल सीटें थी चाहे वो 2 वोट से जीती हो। जांगू जी इस बार तो तमाम जो संस्थाएं हैं उनकी नियुक्तियों में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। कांग्रेस अगर कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बनता है तो उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तमाम नीतियों में रहेगा, तमाम नियुक्तियों में रहेगा, बड़ी भी रहा है, पूर्व में भी रहा है, 2010 2014 से 2024 तक भी रहा है। सदन एक तरफा नहीं चलेगा, चलते चलते किसी का ना माइक बंद होगा, ना कैमरा बंद होगा, ना टीवी पे लाइव टेलीकास्ट बंद होगा। आप सदन के पास अधिकार है, यदि कोई गलत शब्द बोलता है तो उसको सदन के डॉक्यूमेंट से उसको डिलीट किया जाता है। इनका इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया कि उसको ना तो सुनाए, किसी को सुनाया जाए, उसको माइक बंद कर दिया जाए, उसका टेलीकास्ट बंद कर दिया जाए। ये एक सिस्टम जो इन्होंने चालू किया था वो अब नहीं चलेगा, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ। हर व्यक्ति की आवाज जनता तक पहुंचे, सदन बड़ा बड़ी बात है, बड़ा दावा है शरद जी, और बड़ा आरोप भी है कि इस तरह स्पीकर जो बंद कर दिया जाता था, माइक बंद कर दिया जाता था। निराधार आरोपों पे मुझे जो है चुप्पी साध देना बेटर है। क्या क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो जनप्रतिनिधि वहां चुनकर गया हो उसका माइक बंद हो जाए? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये टेक्निकल एरर्स है जो समय समय पर हो जाते हैं और देश ने सुना है, देश ने देखा है किस प्रकार से राहुल गांधी लंदन में जाके, राहुल गांधी लंदन में जाके समय समय पर भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाते रहे हैं, विदेशों में जाकर किस प्रकार से उन्होंने हमारी डेमोक्रेसी पर सवाल उठाया है। आदरणीय अटल जी के समय में कभी भी पूर्व में जब अटल जी प्रधानमंत्री रहे, किसी भी देश में जाकर हमारे साथी दलों का, विपक्षी दलों का ऐसी बेइज्जती, ऐसा अपमान नहीं किया गया। आप बताइए भारतीय संस्कृति जिसके लिए लाखों लोग हमारे शहीद हुए, जिसके लिए पल पल के लिए आज लाखों वीर माताएं जो अपने सपूत जनती हैं, उनके लिए सैनिकों के लिए हमारे राहुल गांधी जी ऐसे अपशब्द यूज करते हैं। इनका हमने शहादत दी और हमने कुर्बानियां दी तो हम तय कर लेंगे। आपका तो कोई आपके किसी व्यक्ति ने उंगली का नाखून कटवा दिया, वो तो खुद काट लिया होगा, बढ़ गए होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं किया इस देश की आजादी के लिए, इसलिए ये ज्ञान हमें मत दें। देखिए ये देश जानता है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की बातों से भ्रमित होने वाला नहीं है। युवा देश युवा सोच, यही मोदी जी का नारा है और विकसित भारत के लिए हमारा देश संकल्पित है, हम उस तरफ दिन रात बढ़ रहे हैं। बंद करना पड़ेगा। कुलवाल जी से पूछना चाहूंगा। कुलवाल जी, तमाम जो रक्षा नीति हो, आर्थिक नीतियां हो या फिर हो विदेश नीति, इन तमाम जो नीतियों से जुड़े फैसले हो और आमतौर पर जो योजनाएं हैं, उन तमाम चीजों पर अब नेता प्रतिपक्ष की मोहर लगेगी, उसके बिना ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाएगी। किस तरह का होना चाहिए देश का जो नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए, किस तरह की जो फीचर्स होने चाहिए उसके अंदर, क्योंकि उसको एक सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा, तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा, विपक्षी आवाज बननी पड़ेगी और एक संवाद स्थापित करना पड़ेगा पक्ष और विपक्ष दोनों में, और फिर अपनी बात सदन के पटल पर रखनी होगी, ये जानना चाहूंगा जी। लेकिन अभी मैं दोनों भाई साहब को सुन रहा था
मुझे अभी तक समझ में ये नहीं आ रही है कि ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। सवाल है सीधा सीधा कि आज लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को बात को लेकर अपनी ये हो रही है, अपन जो डेबिट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं ना। सवाल मैं कह रहा हूँ कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी अगर लोकसभा में खड़े हो गए ये बोल दे कि किसी भी पार्टी के सदस्य को नहीं तोड़ा जाएगा, अगर तोड़ा जाएगा तो उसको सदस्यता छोड़नी होगी लोकसभा की, अगर इनकी नीयत साफ है, अगर इनकी नीयत साफ नहीं है तो फिर तो यही तो चक्कर है लगातार। इसीलिए तो बोल रहे कि अध्यक्ष जो होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए। सवाल है अभी इसके लिए तो दल बदल को लेकर लगातार कानून की मांग चलती रही है कई। दल बदल, अरे वर्मा साहब सुनो, दल बदल की बात मत करो आप, ये जनता को गुमराह करने का काम मत करिए। दल बदल का फैसला 2 महीने में होना चाहिए, 5 साल में तो होता नहीं है। इस चीज का दल बदल का फैसला करो 2 महीने के अंदर। अध्यक्ष करेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा नहीं, क्योंकि अंदर का मैटर है। तो इसलिए ये गुमराह करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी नीयत साफ है और आपका मन साफ है तो आप कह दो कि हाँ लोकसभा में किसी भी सदस्य को दूसरी पार्टी के मेंबर को पार्टी में विलय नहीं किया जाएगा। लेकिन दल बदल की भूमिका में तो कुलवाल जी विपक्षी जो नेता है वो भी मौका लगने पर जो दल बदलते हैं और दल बदल कर आने वाले जो नेताओं का स्वागत करते हैं, इसके लिए या तो सामंजस्य से अब तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही कोई बीच में बैठकर और मध्यस्थता के जरिए कोई कोई इस पर निर्णय ले सकता है कि दल बदल को लेकर कानून आना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट। कानून तो है इस देश में, कानून क्या करेगा। जब चुनाव आयोग का फैसला 3 लोगों को करना था तो लोकसभा में इन्होंने पास करवा लिया, सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर निकाल दिया, तो आप इनके विश्वास कैसे किए जाए। यही तो बात हो रही है वर्मा साहब। आप ये देखो कि आज ये जो बात बोल रहे हैं कि भाजपा में तो सब ईमानदार है, या भ्रष्टाचार होता ही नहीं है, तो अजीत पवार जी क्या लगते हैं इनके, सिंधे क्या लगता है इनका, छगन भुजबल क्या लगता है इनका, प्रफुल्ल मंत्रे क्या लगता है, क्या बोलेंगे ये। ये भ्रष्टाचारियों के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी की 120 सीटें हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज 120 लोग तो इनके कांग्रेस चाहे लोग बैठेंगे गेस्ट, तो ये क्या बात करेंगे। यही तो बोल रहे हैं कि जब इनके मन में एकदम मन साफ है, नीयत इनकी साफ है, तो फिर डर क्या है काम करने से। कौन मना कर रहा है काम करने से रोकने के लिए। देश का काम करना कौन नहीं चाहता। आज जो विपक्ष है वो भी काम करना चाहता है, सत्तारूढ़ दल भी है वो भी काम करना चाहता है। तो इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं करें, कंफ्यूज करके आप सत्ता ही इस मकड़ा जाल में उलझ रहे हो कि आप अभी से आपके मन में नहीं साफ नहीं है। आप सवाल है कि जो 10 साल पुरानी बात को भूलना पड़ेगा इनको, 10 साल में जो इन्होंने किया ना उन सब चीजों को भूलना पड़ेगा। तो ऐसा अभी इस देश में अगर इस देश की मजबूती के लिए काम करना चाहते हैं तो विपक्ष को लेके लोकसभा पूरे समय चलाएं, 1 मिनट खराब नहीं हुए। सवाल है शेयर बाजार की बात कर रहे हैं, ये यहाँ बैठ के शेयर बाजार की बात कर रहे हैं। मैं व्यापारी हूँ, मुझे पता है मेरी दुकान कैसे चल रही है। इन लोगों को थोड़ी पता है दुकान कैसे चल रही है, इन्होंने तो बजट में पता नहीं क्या करना है। आज शेयर बाजार की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, ये तो इनको बहुत सोचना चाहिए। क्या सारे हिंदुस्तान को शेयर बाजार में लगाएंगे क्या, ये क्या शेयर बाजार में लगा के बर्बाद करेंगे क्या हमको ये। तो व्यापारी वर्ग कहाँ घुसेगा, शेयर बाजार बर्बादी का काम है। आपने बोला आप ना करेंगे तो बर्बादी होगी ना, आपने बोला कि विकास काम में शेयर बाजार है। मैं भी व्यापारी हूँ। आप शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे तो सट्टा हो गया। शेयर मार्केट में पैसा लगाना कोई हिंदुस्तान का काम नहीं है, पूरी दुनिया का काम है। आप मेरे से उम्र में कई गुना बड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आपकी मायावती जी जन्मदिन पर करोड़ों रुपए की ट्रॉफी लेती थी। मायावती की बात क्यों बोल रहे हो, वो तो आपके साथ दिया है। फूलों की मालाएं तो लोग जन्मदिन पे देते हैं, इनको पैसे की मालाएं देते थे। ये भ्रष्टाचारी लोग, भ्रष्टाचारी पार्टी जो आज नोएडा में आपका जो आपने पार्क बनाया था क्यों बंद पड़ा है, वो हाँ भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगे। आप लोगों ने बड़ी आसानी से कर दिया कि 10 साल पीछे घूमना पड़ेगा। क्यों घूमना पड़ेगा, देश आगे बढ़ रहा है। आज की सोचिए, 10 साल पहले आपके देश में क्या हालात थे, आज देखिए क्या हालात है। आज भी अच्छे हालात है हमारे,
आज भी उससे अच्छा हालात हमारी, आप हमारी पार्टी की बात करो, आप क्या शेयर मार्केट, लेकिन जिस तरह गिरा था शरद जी वो भी सबको पता है, जिस तरह से जो जिस दिन रिजल्ट आए थे उस दिन बहुत डाउन चला गया था शेयर बाजार, और इस पर विपक्ष ने आरोप भी लगाए थे कि कुछ पर्टिकुलर कुछ बिजनेस टाइकून्स को इंडस लिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए ये परसेप्शन रेडी किया गया और शेयर बाजार को पूरा हाईजैक करके बातें हैं। राहुल गांधी जी समय समय पर भ्रमित करने का कार्य करते हैं देश को और दुनिया को। मोहब्बत की ऐसी कौन सी दुकान खोलना चाहते हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो उसमें सफल नहीं हो पा रहे, लोगों का साथ नहीं मिलता। कभी पैदल चल लेते हैं, कभी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, देश के संविधान को संविधान नहीं समझते हैं। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं लोकसभा राष्ट्र की सेवा करने आया हूँ, खुद को प्रधान सेवक कहता है, मुझे बताइए ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए हैं देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि 140 करोड़ मेरे प्रिय देशवासियों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी समस्त भारतीय को जो पूरी दुनिया में कहीं भी रहता है उसे अपना प्रिय देशवासी कहते हैं। ये नहीं कि वोट दिया है केवल वो ही उनके प्रिय है। आप फालतू की बात क्यों कर रहे हो प्रिय प्रिय, आपके साथी आपकी विचारधारा के लोग जब माननीय नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ जाते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी कन्याकुमारी जाते हैं, मेडिटेशन करने जाते हैं, धार्मिक स्थान पर जाते हैं, आप उनका मजाक उड़ाते हैं, राहुल गांधी की तरह दिल्ली बैंकॉक नहीं जाते, राहुल गांधी की तरह दिल्ली बैंकॉक नहीं जाते, मेडिटेशन करते हैं। ये छोड़ो भाई साहब फालतू की बातें, आप ये ज्ञान की बातें मत बांटो, आप भी जाके मेडिटेशन पे फायदा मिलेगा। ऐसा क्या हुआ कि मालदीव्स को मुंह की खानी पड़ी, आप ये देखिए देश की कूटनीति, प्रधानमंत्री कितने मोर्चों पर लड़ रहे हैं, एक भी दीपावली उन्होंने अपने घर के साथ नहीं मनाई, देश के जवानों के साथ मनाई है, एक भी दीपावली माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अपने घर में नहीं मनाई, देश के जवानों के साथ मनाई है, कितनी बड़ी बात है। अभी तो इतने नीचे आ गए, अभी भी समझ में नहीं आया, रेल सफर करिए, को खुल जाओ, आप बस में सफर करिए, सड़क पर सफर करिए, आपको कोई फौजी भाई मिलेगा ना आदरणीय विष्णु जी, आप उसे पूछिएगा कैसा महसूस होता है, वो भी कहेंगे गौरवान्वित महसूस होता है। अब हम दुश्मनी की नजरों में नजरें मिला के देख सकते हैं, हमें ऊपर से जवाब की जरूरत नहीं है। आप चलो कहाँ चल रहे हो, मैं चलता हूँ साथ में, मैं श्री गंगानगर में रहता हूँ, इंटरनेशनल बॉर्डर में रहता हूँ, मैं श्री गंगानगर में रहता हूँ, इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहता हूँ, कई फौजी मुझे मिलते हैं, रोज मिलते हैं, मैंने बहुत ज्ञान सीखा हुआ है, अबे ज्ञान मत सिखाओ, हम भी संघ से निकले लोग ही हैं, तो ज्ञान सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें जानते हैं आपको देश की जनता ने वोट के माध्यम से ज्ञान विपक्षी पार्टियों को दे दिया है। और रही बात इन हाउस सभापति की, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के विवेक पर संख्या बल के आधार पर तय होगा, और बहुत ही मर्यादित पद है इसको, जिसको जिस प्रकार से आप इसका माहौल बना रहे हैं वो बड़ा ही शर्मिंदगी पूर्ण है। अच्छा 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 अच्छा, आज से पहले आपने कितनी बार मांगे हैं, वो जब शर्मिंदगी नहीं होती थी कि आप लोगों को, आप लोगों लेकिन आपको अपनी भाषा को बोलो थोड़ा सही, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप साबित कीजिए कहां किस प्रकार का क्या भ्रष्टाचार है। अजय आप भ्रष्टाचारी हो ही ना, अजीत पवार कौन है, सिंधे कौन है, छगन भुजबल कौन है, नो नाम बता रहा हूँ ना आपको, आप जिसके लिए बोलते थे इसकी जांच होगी वो कहां गया, वो कहां गया नायडू साहब, सब कार्रवाइयां जारी है। सर इन बातों पार्टी में शामिल होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपके भ्रष्टाचार के दाग मिट गए, जो भ्रष्टाचारी हैं आम आदमी पार्टी, इस वक्त आम आदमी पार्टी के कितने मंत्री जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। देखिए दिल्ली की जनता ने शर्म नहीं आती, हमें गर्व होता है, आपने आज तक देश जम्मू कश्मीर को आपने किस प्रकार से बांट दिया, बीओके कैसे चला गया, नेहरू जी के एरिया में चला गया, किसी ने घरों पर काम किया है,
मोदी जी ने माननीय अमित शाह जी ने 370 हटाने का गौरवपूर्ण काम किया है, किसी ने 3 तलाक रोकने का काम किया है, हमारी मुस्लिम बहनों को फायदा देने का काम किया है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाला प्रधानमंत्री के साथ बैठा है, आपको ये शर्म नहीं आई? उसके लड़के को लोकसभा चुनाव लड़ा रहे हो, ये आपकी पार्टी का जमीर है? हम नेतृत्व पर गौरवान्वित है भाई साहब, आपको भी गौरव महसूस होना चाहिए। देश की अखंडता को स्थापित किया जा रहा है, आप भी हिंदुओं के साथ न्याय करते हो। हमारे यहाँ आज भी आपने मकान तोड़े, हिंदुओं की मालाएं नहीं दी जाती, मकान तोड़े हिंदुओं तोड़े, फूलों की मालाएं जरूर देते हैं, पैसे की मालाएं नहीं देते। सिर्फ झूठ बोलते हो, पैसे की माला। हमारे यहाँ लीडर्स की चप्पलें नहीं उठाते। अच्छा शरद जी मैं एक बार रोकना चाहूंगा, आप लोग तो पैर छूते हो, जिस मोदी ने कहा था पैर छूनी जरूरत नहीं है, उन लोगों के पैर छूते हो आप, तो किस मुद्दे बोल रहे हो आप लोग? वो सम्मान रूप से पैर छूते हैं, शरद जी तरह नहीं कि चप्पल उठाए, बहन जी की चप्पल उठाते हैं। शरद जी एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। जी भाई साहब, जी भाई शरद जी, मुस्लिमों को लेकर क्या जो सोच है बीजेपी की, ये स्पष्ट कर कीजिए आप, क्योंकि आपके जो घटक दल है वो लगातार मुस्लिम रिजर्वेशन की पैरवी कर रहे हैं, पहले ही जैसे टीडीपी है, टीडीपी ने जो पहले ही कह दिया था 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा मुस्लिमों को, और उसमें एनडीए के साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ा था आंध्रा में, और वो आपके प्रमुख घटक दल है। इसके अलावा बिहार से एक बार सुन लीजिए, बिहार से पार्टी की नीति सोच ये स्पष्ट है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी भारतीय हैं, और सबके विकास के लिए, पूर्ण विकास के लिए एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से विचाराधीन है, फैसला लिया जा चुका है 2014 के बाद से, सब समाजों को एकजुट रखकर विकसित करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी सरकार चल रही है। लेकिन जिस तरह के जो मैं ये बोलना चाहूंगा, जिस तरह जो बयानबाजी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं हरमंच से मुस्लिमों को लेकर ये आरोप लगा रहा था, विपक्ष का आरोप था कि मुस्लिमों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं पीएम मोदी और बीजेपी लीडर्स, और मुस्लिमों को रिजर्वेशन का ही मुद्दा, ये एक बार तो पीएम मोदी ने भी इस तरह का बयान दिया था, और अब एनसीपी देख लीजिए महाराष्ट्र में एनसीपी भी जो शिवसेना शिंदे ग्रुप के साथ मिलकर पैर भी कर रही है कि वहां पर भी जो शिक्षा में मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा बिहार में खुद जो एक टीवी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, मीडिया के सामने बाइट्स दे देना, बात रख देना, इन सब से जो है आप आंकलन नहीं कर सकते। हमारा देश बहुत ही बड़ा एक देश है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, विविध विविध स्थानों पर विविध विविध प्रकार से रहते हैं। सबको एकजुट रखने का जो कार्य है वो एनडीए सरकार अपने कार्यकाल में पूर्ण रूप से करेगी। सबको किस प्रकार से आगे लेके जाना है आप देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग 27 मंत्री, अनुसूचित जाति के 10 मंत्री हैं, अनुसूचित जनजाति के 5 मंत्री हैं, अल्पसंख्या से 5 मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री 18 हैं। लेकिन बीजेपी से एक भी नहीं है भाई साहब, शरद जी बीजेपी से एक भी मंत्री नहीं है, बीजेपी से तो आपने टिकट भी नहीं दिया, और जो जो जितने भी मंत्री बने हैं ना वो आपके घटक दलों के हैं। बीजेपी जब पूरी सत्ता में आई थी पूरी टाइम, तब तो एक भी मंत्री नहीं था, आज तो आपको घटक दलों की जरूरत पड़ी है, गठबंधन के साथ सरकार की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मुस्लिमों को मंत्री बनाना मजबूरी है। लोग विचार के साथ अगर साथ आते हैं, सबका स्वागत माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, जब भी कोई कोलिशन बनता है उसकी कुछ ना कुछ शर्तें नियम आपस में तय होते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन सबका एक मोटो क्लियर है, देश का विकास किस प्रकार से हो, किस प्रकार से विकसित भारत बने और विश्व में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखे, भारतीय कहीं पर भी जाए उसका पासपोर्ट जो है इटसेल्फ ये मोहर हो कि ये इंडियन पासपोर्ट धारी है, इसको अगर कोई बात कहेंगे या इसके मर्यादित रूप से बात ना की गई या इसके साथ अन्याय हुआ तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस देश को, उस व्यक्ति को हर्जाना भुगतना पड़ेगा। विष्णु गोलवा जी, ये तो बहुत जबरदस्त सेकुलरिज्म वाली विचारधारा वाली बात करने लग गई बीजेपी, जिस तरह शरद अग्रवाल जी कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मुस्लिमों को साथ में लेकर काम करने की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों को मंत्रालय बांटने की बात आ रही है सामने। देखिए वर्मा साहब,
एक सीधी सीधी बात है, अग्रवाल साहब बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, मगर ये अपने पिताजी का सम्मान भी नहीं करते। आज जो संघ के लोग हैं, कैसे करते हो कैसे बोल दिया आपने, अपने अपने पिताजी का सम्मान करो, प्राण जाए पर वचन ना जाए, आपने ये बात कैसे बोली? क्या बात करते हैं आप? देखिए आप, देखिए आपने सम्मान, आपके बेटे आपका सम्मान करते हैं? क्या बोलते, बेटे आपका सम्मान करते हैं क्या? हाँ करते हैं। मेरा बेटा 2 साल का है, हनुमान चालीसा पढ़ता है मेरे साथ बैठकर, सुबह जब मैं पूजा करने से पहले निकलता हूँ मेरे चरण स्पर्श करता है, मैं घर वापस जाता हूँ मेरे चरण स्पर्श करता है। आप बात करते हैं संस्कृति की, आपने भारतीय संस्कृति को धूमिल किया है, आपकी पार्टी ने देश को बांट के रखा, पिछड़ा वर्ग को बांट के रखा, उन्हें मूल धारा में मुख्य धारा में नहीं आने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक को, अनुसूचित जनजाति को, अनुसूचित जाति को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया है आप लोगों ने ना। जात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति ऐसी राजनीति को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीति करती है तो देश की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीति करती है विकास की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो भ्रष्टाचार से दूर दूर रहने वाली राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीति करती है तो हमारे देश के फौजियों का मनोबल बढ़ाने की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो राफेल विमान भारत में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो हमारा डिफेंस मजबूत होता है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो हमारे सैनिकों को जैकेट्स मिलती है। इनका प्रचार प्रचार माध्यम बना दो बोर्ड, इनसे इनसे ले लिया करो फीस वगैरह की, ये बोले जा रहे हैं। इनको इनको मौका दिए, इनको बोला हमारे मौका, हम बोलेंगे, आप बोलिए, आप बोलिए, इनको बोलने दो, इनको बोलने दो, हमारे पास बोलने के 100 कारण है साहब, आपके पास एक भी कारण नहीं है सच्चाई। चलिए चलिए कुलवाल जी आप ही बोलिए, कुलवाल जी आप ही बोलिए। देखिए मेरा ये मानना है कि पर्सनल होने से बढ़िया है मुद्दे पर बात करें, और मेरा पर्सनल बात की क्या, मैंने पर्सनल बात नहीं की, जब एक पार्टी का राज चलता है आदरणीय जी, बात आदरणीय जी आपने पर्सनल बात करी, बात ये थी जो सेकुलरिज्म वाली जो बात बीजेपी से जो शरद अग्रवाल जी कर रहे हैं वो एक आश्चर्य है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो जिस तरह की विचारधारा की बात की जाती है कि बीजेपी एक विचारधारा पर काम करती है, तो उस मायने में आप किस तरह देखते हैं, मैं ये पूछ रहा था। देखिए वर्मा साहब, इनको सत्ता के लोभी लोग हैं, ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, उसके लिए आप ये देख लीजिए, सत्ता के लोभी होते हैं तो माननीय अटल जी कभी भी सत्ता नहीं छोड़ते, वो जोड़ तोड़ की राजनीति करते। प्रमोद माधव जी का स्पीच सुनिएगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा, प्रमोद माधव जी को दो, प्रमोद माधव जी का नाम ले रहे हो, खरीद फरोख की राजनीति का नाम ले रहे हो, आप तो लेना ही नहीं चाहिए आपको नाम, लेकिन आज तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तब भी जो साथ कुलवाल जी, अटल जी महान इंसान थे, तुम कहाँ हो, झूठ बोल, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कुलवाल जी, चलिए बढ़िया कुलवाल जी, कभी यही दल अटल जी को, कुलवाल जी ये तो अच्छी बात है कि अगर ये सभी को साथ लेने की बात, सभी सम्मान करेंगे, जाति वर्ग विशेष धर्म संप्रदाय के लोगों को साथ लेने की अगर बात कर रही है आज बीजेपी, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, और अगर एक ये परंपरा अगर चलेगी नियमित तरीके से तो निश्चित तौर पर किसी को समस्या नहीं होगी, और ये हमारे देश की परंपरा भी रही है, अगर इस तरह होता है तो क्या दिक्कत है कुलवाल जी? नहीं मेरी बात सुनो भाई साहब, वर्मा साहब मेरा कोई विरोध नहीं है, अच्छी बात है, इनको समझ में आ गई कि देश में अब हमको इस तक पे साथ चलना पड़ेगा, पहले कुछ बात दूसरी बोलते थे, ये जहां वक्त आता था वहां फट पलट के बयान देते थे, चुनाव के लास्ट टाइम पे बोलते थे मैं तो एक गरीब परिवार से आया हूँ, मैं तो इस जाति का आदमी हूँ, ये मुझे लोग गालियां बकते हैं, हम ये बात नहीं बोलते। सवाल है प्रधानमंत्री जी और पूरे भारत के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पर इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह प्रमाणित कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं।
सवाल मेरा एकदम सीधा साधा है, साफ सुथरा है कि आज आज जेपी नड्डा साहब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, ये उनके लिए बोल रहे हैं जिनके कार्यकर्ता बेचारे तन मन धन से इनके लिए काम करते हैं, रोटी भी अपने घर की खाते हैं, उन लोगों के लिए क्या बोल दिए कि हमको जरूरत नहीं है। अरे भाई तुमको जरूरत है तो हमको तुम्हारी जरूरत क्या है, हमको भी जरूरत नहीं है इनकी। और आज ये धीरे धीरे देख लीजिए इनके परिणाम इनको पता पड़ जाएगा। ये इस प्रकार की बात करके अच्छा है कि अब इनको समझ में आ गई कि देश की 36 कौम को लेकर साथ चलना चाहिए, तो बहुत बढ़िया बात है। इससे पहले 10 साल इन्होंने आपस में हिंदू से हिंदू को लड़ाया, मुसलमान से मुसलमान को लड़ाया, सिख से सिख को लड़ाया, इस प्रकार की जो कार्रवाई की उससे इनको समझ में आ गई। और आगे आने वाले समय में अगर ये समझ रहे इस बात को कि इस देश के लिए हम लोग अच्छा काम करेंगे, तो हम लोग इनका विरोध क्या कर रहे हैं? हम तो विरोध कर ही नहीं है, इन्होंने तो हमें विरोधी बना रखा है परमानेंट, हम लोग इनका विरोध नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी सर्वे भवंतु सुखिनः पे काम करने वाली पार्टी है। शरद जी, चार राज्यों के विधानसभा चुनाव है, अब मुस्लिमों को टिकट देगी बीजेपी? मैं पूछना चाहूंगा। एक भी नहीं देगी। मैं आपको और आदरणीय हमारे अंकल जी विष्णु कुलवाल जी को भी ये स्पष्ट करूंगा कि पार्टी का टिकट वितरण का जो सिस्टम है, जो एक प्रणाली है, वो एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ टिकट वितरण किया जाता है। यहाँ कोई हेड मॉम या हेड डैड नहीं है जो किसी की लिस्ट गई है उस पे काट कर उस व्यक्ति को टिकट दे देंगे जो उनको वो चाहते हैं। यहाँ पर जो पैनल संसदीय बोर्ड जिस नाम को तय करता है, विभिन्न सर्वे किए जाते हैं पार्टी के अपने स्तर पर, इन रिपोर्ट्स को देखा जाता है, उसी व्यक्ति को जो जिताऊ हो और पार्टी की रूपरेखा से मूलधारा से जुड़ा हुआ हो उसे टिकट दी जाती है। क्योंकि टिकट तो एक व्यक्ति को मिलती है लेकिन उसके पीछे चुनाव सारी पार्टी सारा संगठन लड़ता है। बहुत बढ़िया बात है भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि एक ही आदमी को टिकट मिल जाए, सबको टिकट मिलेगा नहीं, मगर जो एक किराए के लोग आते हैं आपके ऊपर उनको जीतो, आपने भी खुद ने बोला है हम जीतो आदमी को टिकट देते हैं, तो जीतो का मतलब परिभाषा क्या होती है, कल कांग्रेस का आदमी आएगा उसको टिकट दे दोगे, कल बसपा का आदमी आएगा उसको टिकट दे दोगे, कल कोई कहीं पार्टी का आदमी आएगा उसको टिकट दे दोगे। परिवार है संसद परिवार में भिन्न भिन्न तरह के लोग जो विचार परिवार का समर्थन करते हैं उनका भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच से सहमत है उन लोगों को जो पार्टी में आना चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार से सहमत होते हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाती है, उसका भी एक सिस्टम है। ऐसे नहीं है कि आजकल पार्टी ने बोला है, मैंने नहीं बोला है, भाई साहब कहेंगे कि मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है राजद ज्वाइन हो जाएगी, इनका नाम भी पार्टी के विभिन्न स्तर पर रखा जाएगा, इनका भी फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद पार्टी में ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपका संजय दल ऐसे ही चलता रहेगा, आगे वाला समय बता देगा। चलिए खैर, ये बहस तो ये देखिए ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए अगर सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष मजबूती के साथ अगर आ रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। इसके अलावा जो देश का जो डेमोक्रेटिक जो मॉड्यूल है वो इसीलिए डिजाइन किया है संभवतः, और शायद इसी तरह डिजाइन किया गया है ताकि उसका सीधा फायदा जनता को मिले। 1977 से नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसको वैधानिक मान्यता दी गई थी, और उसके बाद जिस तरह जो सत्ता पक्ष के जो फैसले हैं उन पर कहीं ना कहीं जो एक तरफा फैसले हैं उन पर अंकुश लगा, आर्थिक मामले हो, विदेशी नीतियां हो या अन्य कोई मामले हो, रक्षा सौदे हो, उन तमाम जो मामले हैं उनमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका रही है, कई नियुक्तियां जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, और ये जो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि एक बैलेंस बना रहे लोकतंत्र में, और देश में जो ये लोकतंत्र है वो हमेशा कायम रहे, इसकी जो परंपरा है उस पर कभी कोई दूसरा छींटाकशी न करे, न तो विदेश में और न ही देश में। अगर नेता प्रतिपक्ष इस बार 10 साल बाद भी अगर जो विपक्ष की तरफ से बनते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन करना होगा, एक संवाद स्थापित करना पड़ेगा सत्ता पक्ष के साथ ही तमाम विपक्षी दलों के साथ, अब चाहे कोई भी बने, राहुल गांधी का नाम आ रहा है,
उसके अलावा लोकसभा स्पीकर है उसको लेकर अभी असमंजस जैसी स्थिति हो रही है, लेकिन जो भी है तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारा यही मंतव्य है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, तमाम जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनके साथ उन आम जनता की जो मूल्य हैं उनकी भावनाएं उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। फिलहाल हमारे जो तमाम मेहमान हैं तो उनका उनको धन्यवाद बहुत बहुत। और विष्णु कुलवाल जी बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ जुड़े थे, इसके अलावा जो पुनीत जांगू जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे उनसे, और शरद अग्रवाल जी बीजेपी से जुड़े थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।